हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने शूज कलेक्शन की। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने शूज कलेक्शन, जिसमें मेरे स्लिपर्स होंगे, हील्स होंगी, फ्लैट्स होंगे, सब कुछ इसमें। जो भी मेरे पास शूज कलेक्शन है सारी मैं आप लोगों को डिटेल्स इसी वीडियो में देने वाली हूँ। कहाँ से मैंने लिए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दी जाऊंगी, साथ साथ जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्राइस मुझे एग्जैक्ट शायद याद ना हो, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगर कोई मुझे याद होगी तो मैं उसको जरूर मेंशन कर दूंगी। सो आज आप लोग मेरे शूज कलेक्शन देखने वाले हैं। चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहनकर हर जूता दिखाऊंगी और डिटेल में आपको दिखाती हूँ सारे शूज। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट आई हैव दिस खुस्सा दैट आई हैव गॉट फ्रॉम लिबर्टी मार्केट फ्रॉम खुस्सा महल। द प्राइस ऑफ दिस खुस्सा इज़ 2000 रुपीज़। ये ट्रक आर्ट वाला खुस्सा है, इट्स प्रिंटेड, वेरी कम्फी एंड वेरी प्रिटी। सो द नेक्स्ट आई हैव अगेन दिस ब्राउन खुस्सा, ये मैंने खुस्सा महल से ही लिया है और ये मेरे काफ़ी आउटफिट्स के साथ चल भी जाता है एंड द प्राइस इज़ अराउंड 1200। सो आई हैव दिस सिमिलर पेयर इन रेड कलर, अगेन ये मैंने खुस्सा महल से ही लिया है एंड इसकी प्राइस 1200 है। देन आ जाता है ये खुस्सा, ये एम्ब्रॉयडरी वाला और शीशों वाला खुस्सा है, ये मैंने खुस्सा महल से ही लिया है बट मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले लिया था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो देन आई हैड दिस वेरी वाइब्रेंट येलो कलर की ये चप्पल्स, मैंने ये एक इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर की थी, मुझे उस पेज का नाम याद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इनकी प्राइस थी अराउंड 3000 रुपीज़। तो ये ट्रांसपेरेंट पर्ल्स वाले स्लीपर्स हैं, ये मैंने लिए हैं ज़का मॉल से एंड द प्राइस ऑफ दिस चप्पल इज़ 2000 रुपीज़। और ये चप्पल्स बहुत कंफर्टेबल हैं एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी एज वेल। देन आई हैव दिस वेरी प्रिटी आइस ब्लू कलर की ये स्लीपर्स, ये मैंने ऑर्डर किए थे एक इंस्टाग्राम के पेज से, मुझे उस पेज का नाम याद नहीं है बिल्कुल भी, इनकी प्राइस थी 3500 रुपीज़ एंड दीज आर वेरी प्रिटी एंड जेली स्लीपर्स हैं सो इट्स वाटरप्रूफ। सो देन आई हैव दिस ट्रक आर्ट वाला खुस्सा फ्रॉम खुस्सा महल, द प्राइस ऑफ दिस खुस्सा इज़ 2000 रुपीज़। अगेन ये बहुत कम्फर्टेबल खुस्सा है और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, सो दैट्स वाई आई गॉट दीज। सो नाउ आई हैव दीज ट्रेनर्स, ये मैंने लिए हैं फ्रॉम द ब्रांड B1 Shop 1, द प्राइस ऑफ दीज शूज़ आर 7000 रुपीज़ और ये बहुत स्टाइलिश और एलिगेंट से हैं, सो दैट्स वाई आई गॉट दीज। देन आई हैव गॉट दीज ब्लैक स्निकर्स, इनकी प्राइस थी 7000 रुपीज़ और ये मैंने लिए हैं फ्रॉम द ब्रांड B1 Shop 1। दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट शूज़, इसके ऊपर सारे स्टोन्स लगे हुए हैं इन ब्लैक कलर, बहुत स्टाइलिश और बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए, सो द मोमेंट आई सॉ दी स्निकर्स आई जस्ट फेल इन लव विद देम। सो देन आई हैव गॉट दीज वाइट स्निकर्स, ये सारे स्टोन्स इसके ऊपर एम्बेलिश्ड हुए हुए हैं, द ब्रांड ऑफ दिस स्निकर्स इज पैराडॉक्स लंडन और इसकी प्राइस थी अराउंड 11K to 12K, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन 12 to 11 के अराउंड इसकी प्राइस थी। और जैसे ही मैंने शूज़ देखे मैंने इसको फ़ौरन लिया क्योंकि मुझे इतने अच्छे लगे और बहुत डिफरेंट भी हैं, वेन एवर यू आर गोना वियर इट यू आर गोना स्टैंड आउट, हर किसी की नज़र आपके जूते पर पड़ेगी एंड आई जस्ट लव देम। सो देन आई हैव गॉट दीज ब्लैक स्निकर्स, ये अगेन है फ्रॉम द ब्रांड B1 Shop 1 और इनकी प्राइस है अराउंड 5500 रुपीज़, बहुत कंफर्टेबल हैं एंड पहने हुए अच्छे लगते हैं। सो देन आई हैव गॉट दीज वाइट ट्रेनर्स, ये मैंने लिए हैं फ्रॉम द ब्रांड शीन, इनकी प्राइस है 9000 रुपीज़ और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। सो देन आई हैव गॉट दीज येलो कलर के स्लीपर्स, ये मैंने लिए हैं फ्रॉम ज़का मॉल, इनकी प्राइस है 2700 रुपीज़, बहुत कम्फर्टेबल हैं, सारे स्टोन्स इसके ऊपर लगे हुए हैं और पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ज़का मॉल से आप लोग ज़रूर चेक करें शूज़ वगैरह, यहाँ पर बहुत अच्छी वेराइटी होती है। सो नाउ आई हैव गॉट दीज ऑरेंज कलर के स्लीपर्स, ये मैंने लिए हैं फ्रॉम द ब्रांड सना सफिनास, द प्राइस ऑफ दिस चप्पल इज़ 3000 रुपीज़, बहुत कम्फर्टेबल है, सिंपल सी और एलिगेंट सी है, समर्स के आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई, सो या फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ सना सफिनास से एंड इट्स रियली गुड।
सो देन आई हैव गॉट दिस खुस्सा, ये मैंने अगेन खुस्सा महल से लिया है, काम वाला ये खुस्सा है। द प्राइस ऑफ दिस खुस्सा इज 3000 रुपीज़। और ये आपके ईद के आउटफिट्स या किसी भी देसी आउटफिट के साथ ये पहनावा बहुत अच्छा लगता है एंड वेरी ट्रेंडी एंड वेरी कम्फी। सो नाउ आई एम गोना शो यू दीज न्यूड हील्स। ये मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से लिए हैं। द नेम ऑफ द पेज इज़ हसाल एंड द प्राइस ऑफ दीज हील्स इज़ 5500 रुपीज़। बहुत कम्फर्टेबल्स ये हील्स हैं। तो न्यूड कलर की हील्स तो हर लड़की के पास ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये हर आपके आउटफिट के साथ चल जाती है और बहुत स्मार्ट और बहुत डिसेंट लगती है पहनी हुई। सो देन आई गॉट दीज गोल्डन हील्स, ये मैंने ली हैं फ्रॉम द ब्रांड चार्ल्स एंड कीथ एंड द प्राइस ऑफ दीज हील्स इज 13000 रुपीज़। बहुत कम्फर्टेबल हैं, बहुत एलिगेंट लगते हैं पहने हुए और आपके काफ़ी आउटफिट्स के साथ ही हील्स चल जाती हैं। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। देन आई गॉट दीज ब्लैक ब्लॉक हील्स और इसके साथ ये बहुत खूबसूरत सा सिल्क का रिबन भी है। बहुत प्यारी हील्स हैं ये मैंने ली हैं फ्रॉम द ब्रांड अलमास। इनकी प्राइस क्या है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, लेकिन अंदाजन मैं आपको बता देती हूँ कि अराउंड 3000 to 4000 की रेंज में ये हील्स थी। इनकी लुक बहुत स्टाइलिश है तो बहुत खूबसूरत लगती पहनी हुई। सो देन आई गॉट दीज वाइट ट्रांसपेरेंट हील्स, ये मैंने अगेन ली है फ्रॉम द ब्रांड अलमास और इनकी प्राइस थी 4500 रुपीज़। और ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती हैं, आप लोग देखें कि कितना इसका डिसेंट और स्मार्ट सी एक लुक आती है इसको पहनकर। एंड अगेन ये मेरे बहुत से आउटफिट्स के साथ चलती है और बहुत कंफर्टेबल भी है। सो आई जस्ट लव इट। सो अगेन आई हैव गॉट दीज ट्रांसपेरेंट हील्स, इसके आगे स्टोन्स वाला एक ब्रोच लगा हुआ है एंड इट लुक्स वेरी डिसेंट। ये भी मेरे काफ़ी आउटफिट्स के साथ चलती है और ये हील्स बहुत इन भी है, लाइक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर मेकिंग दीज हील्स। और ये मैंने एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर की थी, मुझे इसकी प्राइस बिल्कुल नहीं याद और ना ही मुझे पेज याद है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो देन आई गॉट दीज हील्स, ये लेपर्ड प्रिंट में हील्स है और ब्लॉक हील्स है, पीछे से क्रॉलिक है एंड ये मैंने ली है फ्रॉम द ब्रांड अलमास। और इनकी क्या प्राइस है वो मुझे बिल्कुल नहीं याद, तो मैं गलत मेंशन नहीं कर सकती इसलिए मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रही कि इनकी प्राइस क्या थी। और ये भी पहनी हुई बहुत डिसेंट और एलिगेंट लगती है और कम्फर्टेबल भी बहुत है। सो देन आई गॉट दीज ब्लैक हील्स, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हील्स दैट आई हैव इन माई शू वार्डरोब एंड द ब्रांड इज़ क्रिस्टियन लुबिटन। और इनकी प्राइस क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि ये मुझे एज इन गिफ्ट मिली हैं, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट या दीज आर वन ऑफ द बेस्ट हील्स दैट आई हैव। सो देन आई गॉट दीज ट्रांसपेरेंट पम्प्स, इसके ऊपर सारे सिल्वर स्टड्स लगे हुए हैं एंड ये मैंने ली है फ्रॉम द ब्रांड डॉल्सेस शूज़, जो कि लिबर्टी मार्केट में है। द प्राइस ऑफ दीज हील्स इज 7500 रुपीज़। और इनका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे और कम्फर्टेबल सी हील्स हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट इट। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड द हील्स फ्रॉम डॉल्सेस शूज़ एंड आई वुड से कि मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इनकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल से, सो आई विल डेफिनेटली बाय मोर हील्स फ्रॉम देयर। सो देन आई गॉट दीज ग्रीनिश गोल्डन से कलर की मेटालिक हील्स, ये मैंने ली हैं फ्रॉम द ब्रांड इनसिग्निया। द प्राइस ऑफ दीज हील्स इज 7000 रुपीज़। और ये बहुत स्टाइलिश एलिगेंट और बहुत खूबसूरत ये हील्स हैं। तो ब्रांड इनसिग्निया की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि इनके डिज़ाइंस बहुत यूनिक होते हैं, आपको किसी भी और ब्रांड में इस तरह की हील्स नहीं मिलेंगी। इनके डिज़ाइंस की वजह से ही इनकी हील्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सो देन आई हैव गॉट दीज हील्स, जो कि फ्रंट से ट्रांसपेरेंट है और बैक से मेटालिक पिंक कलर है हील्स का। फ्रंट पर सारे स्टड्स लगे हुए हैं इन गोल्डन कलर और ये अगेन ब्रांड इनसिग्निया की ही हील्स हैं। प्राइस ऑफ दीज हील्स इज 7500 रुपीज़। और बहुत खूबसूरत ये हील्स हैं, बहुत प्यारी हैं। जब भी मैंने ये पहनी है मुझे हर किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपने कहाँ से ली हैं बताएं, इट लुक्स वेरी गुड। और ये बहुत डिज़ाइन भी यूनिक सा है, आपको किसी और ब्रांड में इस तरह की हील्स का डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा। सो देन आई गॉट दीज वाइब्रेंट रेड कलर की हील्स, फ्रंट पे सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, छोटी सी इसकी हील है। द ब्रांड इज़ जूल एंड द प्राइस इज 11000 रुपीज़।
बहुत कंफर्टेबल्स इनकी हील्स होती हैं। ये बहुत कम लोगों को इस ब्रांड के बारे में पता है, ये पाकिस्तानी ब्रांड ही है, लेकिन इनकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड, दैट्स वाई इनकी हील्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। सो देन आई हैव गॉट दिस अग्स वाले स्लीपर्स, ये मैंने लिए हैं फ्रॉम द ब्रांड अलमास। इनकी प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद इट वॉज अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज़, और ये विंटर के मेरे स्लीपर्स हैं एंड बहुत कम्फर्टेबल हैं। सो देन आई हैव गॉट दिस कॉम्बैट शूज़ फ्रॉम द ब्रांड टॉप शॉप, ये यूके का एक ब्रांड है। इनकी प्राइस है 70 to 75 pounds, और बहुत कम्फर्टेबल से ये शूज़ हैं। रैक्सिन का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, स्नैक प्रिंट है एंड अ टच ऑफ गोल्ड ऑन एड, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पहने हुए ये। मैं विंटर्स में इसको स्टाइल करूँगी अपने डिफरेंट आउटफिट्स के साथ, अभी तक ये मैंने नहीं पहने एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दैम। सो देन आई गॉट दीज लेदर के लॉन्ग शूज़, ये मैंने लिए हैं फ्रॉम द ब्रांड B1 Shop 1। द प्राइस ऑफ दिस शूज़ इज़ 10,000 रुपीज़, और बहुत कम्फर्टेबल से ये शूज़ हैं, पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, और दीज आर माई गो टू विंटर बूट्स एंड आई रियली लव दैम। सो दिस इज़ इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने मेरी शूज़ कलेक्शन की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू डिड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई वांट टू सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।